हेलो पोके फैंस, तो आज हम बात करेंगे सन एंड मून के बारे में, यानी अलोला रीजन के बारे में। तो अलोला रीजन की कुछ ऐसे पोकेमोन हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि वो इंसानों की जान भी ले सकते हैं। और हाँ, इस लिस्ट में कोई भी अल्ट्रा बीस्ट या फिर लेजेंडरी पोकेमोन नहीं होंगे, सब नॉन लेजेंडरी पोकेमोन ही होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, वीडियो को फुल वॉच करना। तो बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन। फाइव पे आता है ड्रम्पा। तो ड्रम्पा अलोला का एक नॉर्मल और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ड्रम्पा भले ही काइंड और फ्रेंडली पोकेमॉन क्यों ना हो, लेकिन ये जब गुस्से में आ जाता है तो एक बिल्डिंग को भी तबाह कर सकता है। तो इंसान तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, सो दैट्स वाई ये एक डेंजरस पोकेमॉन है। तो इसके बाद है टर्निटर। तो टर्निटर अलोला का एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन है। एनीमे में इसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बडी पोकेमॉन क्यों ना दिखाया गया हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके पीठ में जो कांटे हैं अगर उसे कोई छू ले तो ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में किसी की जान भी जा सकता है। सो दैट्स वाई ये भी काफ़ी डेंजरस पोकेमॉन है। सो इसके बाद है मोरलल। तो मोरलल अलोला का ग्रास और फ्यूरी टाइप पोकेमॉन है, और मेन फ्रेंचाइजी में ही दिखाया गया है ये कितना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। ये इंसानों की शक्ति को चूस कर अपने अंदर शक्ति समाता है, और तुम सबको पता है अगर इंसान में शक्ति नहीं रहा तो एक तरीके से वो मर ही गया समझो। तो दैट्स वाई ये भी एक डेंजरस पोकेमॉन है। सो इसके बाद है पैलोसेंट। तो पैलोसेंट अलोला का एक घोस्ट और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, एंड एनीमे में ही बताया गया है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है, क्योंकि ये खुद को रेत के अंदर छुपा लेता है और किसी इंसान या फिर पोकेमॉन को रेत के अंदर खींचकर उसके सोल को खा जाता है। तो तुम समझ ही सकते हो ये कितना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। और सिर्फ यही नहीं, इसका प्री इवोल्यूशन सैंडीगस भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। सो दैट्स वाई पैलोसेंट एक डेंजरस पोकेमॉन है। सो इसके बाद है बीवेयर। तो बीवेयर अलोला का नॉर्मल और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, एंड बीवेयर जब किसी को अपना फ्रेंड मानता है तो अफेक्शन दिखाने के लिए उसे वो हग करता है, और वो हग डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बीवेयर इजीली किसी के भी बोन को चूर चूर कर सकता है। और सिर्फ बीवेयर ही नहीं, इसका प्री इवोल्यूशन स्टफल भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है, क्योंकि स्टफल का फर किसी को भी पेन दे सकता है। सो दैट्स वाई स्टफल और बीवेयर दोनों ही डेंजरस पोकेमॉन है। एंड फाइनली नंबर वन पे है मिमिक्यू। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मिमिक्यू अलोला रीजन का सबसे ज़्यादा डेंजरस पोकेमॉन है, यहाँ तक कि ये अल्ट्रा बीच से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब भी इसके असली बॉडी को किसी ने देखने की कोशिश की तभी वो बंदा मारा गया। तो तुम सब समझ ही सकते हो कि मिमिक्यू कितना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है, और ज़्यादा इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मिमिक्यू ही अलोला रीजन का सबसे ज़्यादा डेंजरस पोकेमॉन है। तो बस यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब भी कर दिया करो, भगवान तुम्हारा भला करे। और मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ।